पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप करेले देख रहे हैं, देसी करेले। तो आज हम भरवा करेले बनाएंगे जो कि खाने में बेहद टेस्टी हैं। मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी इसमें बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं मैंने करेले लिए हैं, इनको मैं छील लूँगी दोनों सिरे पहले कट करके और इनको छील लूँगी। करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड, और इनके छिलके हम पूरे उतार लेते हैं। करेले फ्रेंड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसको इंग्लिश में बिटर गॉड और बिटर मेलन भी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी होता है। हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड करेले, तो करेले हमको बना के खाते रहना चाहिए। विशेषकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है करेले। ये ब्लड जो शुगर लेवल को ये मेंटेन करते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को खाते रहने चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, हमारी स्किन ग्लोइंग में भी हेल्प करते हैं, ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से करेले बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और हमको बनाने चाहिए। इस टाइम करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप लोग भी बनाइए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छील लिया है करेले को, और जो ये बीज है अंदर के ये मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। पूरे बीज मैं निकाल लूँगी करेलों के फ्रेंड, और इसमें जो पके हुए बीज रहेंगे वो तो मैं हटा दूँगी, और जो ये कच्चे बीज रहेंगे वो मैं इन छिलकों के साथ ही करेले में भर के बनाऊंगी। आप चाहें तो इन छिलकों का यूज़ नहीं करें मसाले में, लेकिन ये छिलके जो हैं ये विटामिन से भरपूर होते हैं फ्रेंड, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मसाले में इसको भर के बनाएं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं इससे ये। ये देखिए मैंने सारे बीज इसके निकाल लिए। सारे करेले मैं इसी तरह से छील लूँगी। एक और करेला मैंने छीला है, और इसको जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में से मैं कट लगा रही हूँ, इसके भी मैं बीज निकाल लूँगी। इसके बीज हमको निकालना जरूरी फ्रेंड, क्योंकि इस पूरा खाली करना अंदर से जरूरी, क्योंकि इसमें फिर हम मसाला भरेंगे, भरवा करेले बना रहे हैं हम, इसलिए अच्छे से इसके बीज सारे निकाल लें। ये देखिए इसके भी मैंने बीज निकाल लिए। इस तरह से फ्रेंड मैं सारे करेलों के बीज निकाल चुकी हूँ। ये देखिए पहले मैंने इनको छील लिया है और फिर इनके सबके बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे से मैंने पूरा खाली किया है इनको, और ये छिलके हैं और ये बीज हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड जो ये पके हुए बीज हैं ये मैं निकाल रही हूँ। पके हुए बीज हमको इसमें यूज़ नहीं करने करेले में, और जो करेले बिल्कुल अंदर से कच्चे थे बिल्कुल सॉफ्ट जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसको मैं इसी के अंदर मिला लेती हूँ। ये भर के हम बनाते हैं फ्रेंड तो करेले बहुत अच्छे बनते हैं। और जो लोग लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते, मसाले वाले नहीं बना सकते, तो वो इस तरह से इन छिलकों का मसाला तैयार करके भर के बना सकते हैं। विशेषकर जो जैनीज हैं वो इस मसाले से आराम से बना सकते हैं करेले बिना लहसुन प्याज का यूज़ किए हुए। ये मैंने सारे छिलके निकाल लिए। अब हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब हम नमक मिला के रखेंगे छिलकों के अंदर भी और करेलों के अंदर भी। सारे करेलों के अंदर हमको अच्छे से नमक मिलाना है फ्रेंड, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। नमक मिलाने के फ्रेंड दो फायदे होते हैं, एक तो जो इसकी कड़वाहट रहती है वो बिल्कुल निकल जाती है, और दूसरा जो करेले हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब हम इनको भर के बनाएंगे तो करेले बहुत जल्दी बन जाते हैं, सॉफ्ट होने के कारण नमक से सॉफ्ट हो जाते हैं काफी, तो ये जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पर मैं करेले बॉईल करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं नमक लगा के बना रही हूँ तो वैसे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप करेलों को बॉईल करके जब 70% तक करेले बॉईल हो जाएं
फिर आप उसमें मसाला भर के बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो हम कच्चे करेले बनाते हैं फ्रेंड, ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब हम बॉईल करके बनाते हैं तो करेले उतने टेस्टी नहीं बन पाते हैं, लेकिन इस तरह से हम जब कच्चे करेले मसाले में भर के बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और खटाई में फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अमचूर का यूज़ होता है, केरी का यूज़ होता है, इमली का यूज़ होता है, नींबू का यूज़ होता है। ये देखिए, मैंने करेलों के अंदर और बाहर अच्छे से नमक बिल्कुल लगाया है। अब इस छिलकों पे मैं और नमक डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे नमक को। और करेलों को, छिलकों को अच्छे से मिक्स करके नमक आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी फ्रेंड। फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे हम, उससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाएगी। ये मैंने देखिए छील लिए, नमक लगा लिया और ये बीज अलग निकाल दिए हैं। अब इनको आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं। मसाला मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिए, 1 लहसुन की गांठ ली है। इनको छील कर मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं आपको एक मसाला बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मसाले के लिए आप देख रहे हैं सौंफ, मेथी दाने, कलौंजी सीड्स, साबुत धनिया और अजवाइन। इन सबको या तो आप रोस्ट कर लीजिए या कच्चा ही पीस लीजिए। मैं इनको कच्चा ही पीसूंगी और ये हमारे करेले का मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं जब भी करेले बनाती हूँ ये वाला मसाला डाल के बनाती हूँ। इससे करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसको आप करेले का मसाला भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको खटाई बता रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको 4 प्रकार की खटाई बता रही हूँ, केरी, अमचूर, इमली और नींबू। आप इसमें से चारों में से कोई सी भी खटाई ले सकते हैं। अगर आप केरी डाल रहे हैं तो आप अमचूर अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केरी और इमली दोनों मिक्स करके बनाऊंगी, अमचूर और नींबू नहीं लूंगी। ये देखिए, केरी को मैंने ग्रेट कर लिया है और इमली को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में गला दिया था, पानी मैंने इसका निकाल दिया है। इनको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, करेलों को और छिलकों को। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको अच्छे से मसल लिया है। छिलकों को पूरा पानी निकाल दिया है, करेले का और छिलकों का। अब मैंने पैन के अंदर ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं मसाले डालती हूँ, जीरा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, हींग। अभी जो प्याज का पेस्ट है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। प्याज फ्रेंड आप काट के भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी हम भरवा सब्जी बनाते हैं तो पिसा हुआ जो मसाला रहता है उससे हमारी भरवा सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो आप भी कोशिश करिए कि प्याज और लहसुन काट के मत डालिए, इस तरह से बारीक पेस्ट बना के डालिए तो करेले आपके बहुत टेस्टी बनेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जैनीज हैं, अगर वो लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर सकते तो वो सिंपल मसाला भी छिलकों का, जो हमने छिलके बनाए हैं वो मसाले में करके बना सकते हैं। लहसुन प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके थे, अब मैं इसमें ये जो छिलके हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये जल्दी पक जाएंगे। इसके साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज के साथ, ये हमको इनको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मसाले के अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड आप यकीन मानिए, जब आप ये छिलके बना डाल के बनाते हैं तो करेले बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। क्योंकि इसमें ये देखिए, मैंने इसमें नमक लगा के रखा था। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, देखिए फ्रेंड। अब मैं आपको इसमें ये आपको मैं सीक्रेट बता रही हूँ, ये बेसन भरवा करेले में कोई नहीं डालता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं बनाती हूँ और मैं डालती हूँ। इसके हमको 3 बेनिफिट्स हैं इसके डालने के। एक तो करेले की बाइंडिंग अच्छे से होती है, दूसरा ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, और तीसरे इससे करेलों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी कोशिश करिए कि जब भी आप इस तरह से भरवा करेले बनाएं तो थोड़ा सा बेसन आप उसमें ज़रूर डालिए और आप बना के खा के देखिए, करेले बेहद टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे आपके करेले। अगर आप नमक लगा कर नहीं रखते हैं तो भी आपके जो करेले हैं कड़वे नहीं बनेंगे, अगर आप इसमें बेसन ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसन से करेलों की कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है। मैं पहले भी अपने चैनल पर बेसन के करेले शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। यहाँ पर मैं भरवा करेले बना रही हूँ। उनको बेसन अच्छे से भूनना है, जब तक कि बेसन में मसाले में से अच्छे से खुशबू आने लगे। और मैंने अच्छे से बेसन भून लिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, पिसी हल्दी,
पिसी मिर्च और पिसा धनिया। धनिया फ्रेंड यहाँ पर मैंने साबुत भी लिया है, इसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा कि मैंने एक इसका मसाला तैयार किया था, उसमें मैंने साबुत धनिया लिया था और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लिया है फ्रेंड, फिर भी ये करेले बहुत टेस्टी बनेंगे। इसमें बेसन हमने डाला है तो थोड़ा सा मसाला चिपकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैंने मसाला तैयार किया था करेलों का, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, चार मसालों से मैंने ये रेडी किया था। सौंफ उसमें मैंने ज़्यादा ली थी और साबुत धनिया डाल के मैंने तैयार किया था। बेहद टेस्टी बनते हैं इससे करेले। और ये जो ग्रेट की हुई कैरी है ये भी मैंने इसमें डाल दी है। और ये जो मैंने इमली थोड़ी से देर के लिए पानी में गला के रखी थी आधे घंटे के लिए, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी तो फ्रेंड कैरी का सीज़न है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर कैरी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि इमली ज़रूर डालिए, इमली से करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों प्रकार की खटाई ली है। मेरे पास अगर कैरी अवेलेबल नहीं रहती है तो मैं अमचूर पाउडर डालती हूँ, और अगर अमचूर भी नहीं रहता है तो नींबू डालती हूँ, लेकिन मैं इमली ज़रूर डालती हूँ। इमली से करेले बेहद टेस्टी बनते हैं। इस तरह से मसाले में ही अच्छे से मैं इसको चला दूंगी तो इमली इसमें जो अपनी खटास छोड़ देगी मसाले के अंदर। ये देखिए मसाला मैंने काफ़ी अच्छे से भुना है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी फ्रेंड, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इससे हमारा बेसन फूल जाएगा और हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे और जो हमारी इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उसकी खटास पूरी तरह से इसमें आ जाएगी। केरी तो इसमें अच्छे से मिली चुकी है फ्रेंड, लेकिन जो ये इमली है इसने अपनी खटास इसमें छोड़ दी है, तो जो ये इमली है ये मैं हटा लूंगी। इस मसाले के अंदर से इमली निकाल लेती हूँ मैं। इमली का इसमें टेस्ट आ चुका है, आप इस तरह से बनाकर देखिए। ये इमली मैं अलग से निकाल लेती हूँ। अभी देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगी, मुझे इसमें गरम मसाला पसंद नहीं फ्रेंड। करेले में मैंने काफ़ी सारे दूसरे मसाले ऐड किए हैं जो कि करेले के ही होते हैं। ये मसाला तैयार हो चुका है, ये मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको करेले का मसाला बनाना बताया, वो डाल के बनाइए, करेले बेहद टेस्टी बनते हैं। आपको गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने मसाला निकाल लिया, इनको ठंडा करके हम करेलों के अंदर भरेंगे। ये देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इनको करेलों के अंदर भर देती हूँ। आप चाहें तो फ्रेंड चम्मच से भी भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ की हेल्प से इसमें मसाला भरूंगी, क्योंकि इस तरह से जब अंगूठे की हेल्प से हम अच्छे से मसाला इसमें भरेंगे दबा दबा के, तो हमारा मसाला अच्छे से फिलअप होता है, इसमें करेले टेस्टी बनते हैं। इतने अच्छे से चम्मच से नहीं भर पाता है मसाला, तो मैं इसमें हाथ से ही भरूंगी मसाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़े से करेलों को बॉईल करके और फिर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कच्चे करेले ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सभी करेलों में बहुत अच्छे से मसाला भरूंगी, और अगर आप चाहें तो सारे करेले मसाला भरने के बाद धागे से भी बंद कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं धागा इसमें नहीं लगाऊंगी। अगर आप धागा लगा के बना रहे हैं तो फिर आप पूरे पकने के बाद और फिर उसमें से धागा निकाल दीजिए, जब करेले तैयार हो जाते हैं उसके बाद फिर धागा निकाल दीजिए। ये पूरे मसाले भरने के बाद इसमें धागा लपेट कर उसको बांध कर और फिर तेल में छोड़िए, लेकिन मैं यहाँ पर धागे का यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसमें मसाला भरा है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड हमारे ये करेले। आप इसको छोटे आप सफर पे जा रहे हैं वहाँ ले जा सकते हैं। वैसे करेले सभी अधिकतर लोगों को बहुत पसंद रहते हैं, भरवा करेले तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमारे घर में भी बेसन के करेले और भरवा करेले सभी को बहुत पसंद है, और ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनते, इसमें मैंने बेसन यूज़ किया है, नमक लगाया है, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं ये। आप इसको छोटी मोटी जर्नी पर ले जा सकते हैं, घर में बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड सारे मसाले मैंने भर लिए करेलों में और इतना मसाला बचा है। अब हमारे हम करेले फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे एक एक करेला इसमें डालेंगे फ्रेंड।
आपने देखा मैंने इनको धागे से बांधा नहीं है, लेकिन हमको बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब हम करेलों को टर्न करेंगे तीनों साइड से अच्छे से हम इसको सेकेंगे, तो उस टाइम थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। या तो आप चम्मच की हेल्प से या फिर चिमटे की हेल्प से धीरे से हम इसको टर्न कर लेंगे, दोनों मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए सारे करेले मैंने बिल्कुल धीरे धीरे इनमें डाल दिए, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिए, फ्लेम बिल्कुल लो रखिए फ्रेंड, कच्चे अगर आपने ज़रा भी फ्लेम हाई करी तो कच्चे जल हमारे जो करेले हैं वो जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। इनको मैं ढक के पकाऊंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, या तो आप इस तरह से चिमटे से टर्न कर लीजिए फ्रेंड, जो भी आपको इजी लगे, या फिर आप चम्मच से टर्न कर, जैसा भी आपको लगे आप टर्न कर सकते हैं। इसको हम ढक देते हैं। ये दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, चम्मच से आप दो चम्मच लेकर बिल्कुल धीरे धीरे इसको साइड में ऐसे टर्न करना है जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि कोशिश करिए कि मसाला इसमें से नहीं निकले। वैसे हम भरवा करेले बना रहे हैं फ्रेंड, तो थोड़ा बहुत तो मसाला निकलता ही है इसमें से, कोई उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, और हमने करेले बांधे भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको टर्न करते टाइम सावधानी रखिए। तो मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं चम्मच की हेल्प, दो चम्मच की हेल्प से मैंने इनको धीरे से टर्न कर दिया एक साइड। ये करेले फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये देखिए अच्छे से मैंने इनको एक साइड पूरा टर्न कर दिया है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ और पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप जर्नी पे ले जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको मैं ढक दूंगी। हमको करेलों को बीच बीच में देखना है कि हमारे करेले पके कि नहीं। देखिए मैंने पहले टर्न करे थे, इनको एक बार मैं वो टर्न करूंगी, थोड़े थोड़े से हम इनको दूसरी साइड से भी टर्न कर देंगे। वैसे करेले काफ़ी हद तक पक चुके हैं, जहाँ से कच्चे हैं उस साइड से मैं इनको टर्न कर देती हूँ, ताकि हमारे बिल्कुल कुरकुरे करेले बनेंगे ये बिल्कुल टेस्टी। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला भी इसमें से इतना निकला नहीं है, और मैंने बिल्कुल धीरे धीरे इनको टर्न किया है, फिर मैं इनको ढक के थोड़ी देर और पका लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। अभी जो बचा हुआ मसाला था, या तो आप इस स्टेज पर जाकर इसमें मिला दीजिए, और नहीं तो फिर इसी मसाले के ऊपर आप ये सारे करेले डाल दीजिए, जैसा भी आप चाहें। वैसे मैं अधिकतर करेले बनाती हूँ तो ये पिसा हुआ मसाला, इसमें जो बचता है मसाला मैं करेले के साथ ही ऐड कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि मसाला मैंने इसमें प्लेट में निकाल लिया है जो बचा हुआ था, और ये बने हुए जो करेले हैं ये मैं इसके ऊपर डाल के सर्व करूँगी। जैसा भी आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं, बेहद टेस्टी बने फ्रेंड ये करेले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो मसाला तैयार किया था उससे इसका टेस्ट कई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये देखिए फ्रेंड हमारे करेले कितने अच्छे बने, बिल्कुल क्रिस्पी मसालेदार, और बिल्कुल इनमें कड़वाहट नहीं फ्रेंड। आप बनाकर ट्राई करिए और पराठे पूरी चपाती इसके साथ खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।